नमस्कार, मैं हूं सबा खान राही और आप देख रहे हैं लोक मीडिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर सोमवार को बड़ा वार किया है। राज्यपाल ने राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में अधिकारी से लेकर मंत्री तक सब शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से लेकर सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक की लीनता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते ये सुनिश्चित करेंगे कि इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो। साथ ही राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग करते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धन की अविश्वसनीय रूप से एकत्रीकरण की रिपोर्ट मिल रही है। इसमें बिचौलिया की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल में इस तरह के भ्रष्टाचार का फलना फूलना एक खुला रहस्य है और लोग बड़े पैमाने पर इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पीछे योजनाबद्ध तरीके से प्रशासन की विफलता और सुस्ती जिम्मेदार है। इसके लिए बड़े पैमाने पर जांच की जरूरत है, तभी भ्रष्टाचार सारी कड़ियां खुलेंगी। अपने ट्वीट में राज्यपाल ने बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को भी सीधे टैग करते हुए लिखा है कि वर्दी में शामिल लोगों की भी इसमें लीनता है और इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर इसका पर्दाफाश किया जाना जरूरी है, ताकि लोकतंत्र बचा रहे। उन्होंने लिखा है कि समय आ गया है कि भ्रष्टाचार की सरगना पर कानून का प्रकोप बरसे। उन्होंने कहा कि ये अन्याय होगा अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो, ये लोकतंत्र की मौत की दस्तक होगी। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लोक मीडिया, एक मिनट हमारे साथ।